एक गांव में एक अस्पताल था। उस अस्पताल में एक डॉक्टर था। वह एक भूतिया डॉक्टर था। जो भी मरीज उस डॉक्टर से अपना इलाज करवाने जाता था, वह डॉक्टर उसे भूतिया जहर वाला इंजेक्शन लगा देता था, ताकि वह मरीज भी उसके जैसा बन जाए। अरे मर गया रे, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपने ये मुझे कैसा टीका लगा दिया? ये टीका लगते ही मेरा दर्द ठीक होने के बजाय और बढ़ गया है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? अरे कोई मुझे बचाओ। फिर देखते ही देखते वह मरीज भी भूत बन जाता है। कहो, अब कैसा महसूस हो रहा है? डॉक्टर साहब, अब मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। आज से आप ही मेरे मालिक हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। आज से तुम भी भूतिया बिरादरी में शामिल हो। तुम अपने गांव जाओ और जितने लोगों को काट सकते हो काट खाओ। उससे वो भी भूत बन जाएंगे। फिर हम सब मिलकर इस पृथ्वी से पूरे इंसानों का खात्मा कर देंगे। ठीक है मालिक, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर इतना बोलकर वह भूत अपने गांव चला जाता है। इंसानों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस थोड़े दिनों में बहुत सारे लोगों को अपना जैसा बना लूं। फिर हम सब मिलकर पूरी इंसानियत को खत्म कर देंगे। वहीं दूसरे गांव में एक लालची इंसान रहता था। अजी मुझे लगता है आपको किसी बिजली वाले को बुला लेना चाहिए। आपको कुछ पता तो है नहीं और चल पड़े हैं घर का पंखा ठीक करने। देख के करिए, कहीं करंट ना लग जाए आपको। ए मूर्ख औरत, जब देखो टोका टोकी करती रहेगी। तुझे कुछ नहीं पता, मैं सारा बिजली का काम जानता हूँ। तू चुपचाप सीढ़ी पकड़ कर खड़ी रहे, मैं अभी इसे ठीक कर दूंगा। अजी जरा संभल कर तार को हाथ लगाना। अगर गलत तार पकड़ ली तो उसी से चिपक जाओगे। फिर मुझे मत बोलना बचाने के लिए, मैं कुछ नहीं करने वाली। तभी कांचा गलती से गलत तार पकड़ लेता है और उसे जोर से करंट लगता है। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। अरे भगवान मेरी मदद करो, मैं यही चिपक गया हूँ, कुछ करो, नहीं तो ये करंट मुझे कुछ ही पलों में मार डालेगा। अरे मर गया रे, कोई तो मुझे बचाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ। तभी पास में एक लाठी पड़ी हुई होती है। वह उसे उठाती है और जोर जोर से कांचा को मारने लगती है। फिर जैसे तैसे वह कांचा करंट से छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे, अरे मूर्ख औरत रुक जा, मैं छूट चुका हूँ, अब मुझे क्यों पीट रही है। अजी मुझे माफ कर दो, आप ठीक तो है ना? नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे लगता है करंट लगने से मेरे बदन का सारा खून सूख गया है। अब मैं नहीं बचने वाला। हाय मर गया रे, कोई मुझे अस्पताल ले चलो रे। हाय मर गया रे। आप घबराइए नहीं जी, मैं आपको अभी अस्पताल लेकर चलती हूँ। फिर उसकी पत्नी कांचा को रेडी पर बिठा कर अस्पताल ले जाती है। वहाँ उसे वही भूतिया डॉक्टर मिलता है। अरे डॉक्टर साहब, मेरी जान बचा लो, मुझे बहुत जोर से करंट लग गया है, मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुम घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हारा सारा दर्द दूर कर देता हूँ। फिर वह डॉक्टर कांचा को भी भूतिया टीका लगा देता है। तुम जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर रात होने पर उस भूतिया इंजेक्शन का असर शुरू हो जाता है। कांचा भूत बनने लगता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? अरे डॉक्टर, ये तूने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया मुझे? फिर देखते ही देखते कांचा भूत बन जाता है। अरे ये क्या, मेरा तो सारा दर्द खत्म हो गया। ए चमेली, कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे अभी के अभी मांस ला कर दे। अजी क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? लगता है इंजेक्शन लगने से कुछ ज्यादा ही ताकत आ गई है आप में। दोपहर तक तो हाय हाय मचा रखी थी। ए मूर्ख औरत, तेरी इतनी हिम्मत मेरा मजाक उड़ाएगी? चल जल्दी जा यहाँ से और मेरे लिए मुर्गे का मांस लेकर आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। अरे वाह वाह, इनकी हिम्मत तो देखो। क्यों जी, तुम्हारी अम्मा ने मुर्गा बना के रखा हुआ है जो मुझे मुर्गे का मांस लाने को कह रहे हो? कल के दाल चावल पड़े हुए हैं,
खाने हैं तो बताओ, नहीं तो चुपचाप सो जाओ। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो रात भर बाहर ही सोना पड़ेगा। हाँ तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे अभी बताता हूँ, मेरा मजाक उड़ाएगी। अरे भैया, अरे भैया, ये तो पागल हो गए हैं। अजी मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो मुझे मारने दौड़ पड़े हैं। मुझसे गलती हो गई प्राणनाथ, मुझे माफ कर दो। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। फिर वह भागती भागती गोपाल के घर में घुस जाती है। अरे क्या हुआ बहन, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे लगता है इनके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। अरे तुम घबराओ नहीं, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। फिर गोपाल खिड़की से झांक कर देखता है तो उसे तीन लोग दिखाई देते हैं, भूत बन चुके होते हैं। ए मूर्ख औरत, अब कहाँ छुप कर बैठी है? बाहर निकल, मैं तुझे भी अपने जैसा बना कर ही दम लूंगा। अरे दैया, अरे दैया, अब क्या करें? तुम घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ, हम पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। फिर वह दोनों पीछे के रास्ते से जंगल की ओर भाग जाते हैं। तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक रास्ता है, मैं एक महामुनि को जानता हूँ, वो इसी जंगल में रहते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, चलो हम उनके पास चलते हैं। फिर वह दोनों सीधा महामुनि के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें पूरी बात समझाते हैं। देखो वत्स, तुम्हारी बातों से तो यही प्रतीत होता है कि उन पर जरूर किसी भूत का साया है। तुम ये पवित्र गंगा जल लेकर जाओ, अगर उनके ऊपर किसी भूत का साया होगा तो वो जरूर इस जल से ठीक हो जाएंगे। फिर गोपाल मुनि से गंगा जल ले लेता है और उनसे आज्ञा लेकर वह दोनों वापस गांव की ओर चल देते हैं। कांचा और वह सारे भूत लोगों का दरवाजा तोड़ने में लगे हुए होते हैं। सब गाँव वालों की डर के मारे हालत खराब हो चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ गोपाल और कांचा की पत्नी वापस गांव पहुंच जाती हैं। अरे गोपाल भाई, तुम्हें नहीं पता क्या, गांव पर तीन भूतों ने हमला कर दिया है और एक तुम हो, किसी दूसरे की पत्नी के साथ रात गए मटर गस्ती कर रहे हो। जल्दी से अपने घर निकल जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे मूर्ख, मैं कोई मटर गस्ती नहीं कर रहा, इन भूतों से निपटने के लिए ही जंगल गया था। वहां महामुनि ने मुझे ये गंगा जल दिया है, अगर हम ये जल उन भूतों पर छिड़क देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। फिर वह तीनों भागकर गोपाल के घर के पास पहुंच जाते हैं। ए भूतों, इधर देखो, यहाँ तुम्हारा काल खड़ा हुआ है, इधर आओ, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। जरा जबान संभाल कर बोलो गोपाल भाई, अगर इस गंगा जल ने अपना असर नहीं दिखाया तो जितनी धमकी तुम इन्हें दे रहे हो ना, ये उतना ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। मूर्ख, चुपचाप खड़ा नहीं हो सकता क्या? कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत। अलतू जलालतू आई बला को टालतू, अलतू जलालतू आई बला को टालतू। ए तेरी इतनी हिम्मत, हमें ललकारता है, तू वहीं रुक, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। फिर वह तीनों भूत गोपाल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। फिर जैसे वह गोपाल के नजदीक पहुँचते हैं, गोपाल उनके ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। जैसे ही गंगा जल उन भूतों के ऊपर पड़ता है, वह तीनों तड़पने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये तूने क्या कर दिया, ये तूने कौन सी चीज हमारे ऊपर डाल दी। अरे मर गए, अरे बहुत दर्द हो रहा है, अरे मर गए। अरे कंचा भाई, तुम ठीक तो हो ना? कहीं वो भूत अभी तुम्हारे अंदर तो नहीं है ना? जब से उस डॉक्टर ने मुझे टीका लगाया तब से मुझे अजीब अजीब सी बेचैनी होनी शुरू हो गई थी। इसमें जरूर उस डॉक्टर का ही हाथ होगा। तुम सही कहते हो भाई, हमें उस अस्पताल जाकर उस भूतिया डॉक्टर